हेलो एवरीवन। सो आज 4 मई है और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज ही LIC का IPO आ रहा है। 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, 4 मई से लेकर के 9 मई तक ये IPO खुला रहेगा और जो भी इन्वेस्टर्स इस IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट आपके सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी है और मैंने इस वीडियो को इस तरह से बनाया है कि आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा LIC IPO के साथ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत कौन कौन से तरह के डिस्काउंट्स इसमें अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, पॉलिसी होल्डर्स इन्वेस्टर्स होंगे और इम्प्लॉयज भी इन्वेस्टर्स होंगे, उनके लिए अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स हैं। वो सारी कैटेगरीज में आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिसी होल्डर कौन होगा और कौन एक एम्प्लॉय इन्वेस्टर कहा जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे अगर आप किसी इन तीनों कैटेगरीज में ही हैं तो उस केस में आप क्या तीनों जगह अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और HNI कैटेगरी क्या है और उसमें क्या डिस्काउंट मिलेगा या नहीं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और क्या सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है हम सबके दिमाग में कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, तो उसका जवाब भी मैं आपको एंड में दूंगा। और साथ ही हम देखेंगे कि ग्रे मार्केट में, जो कि अनऑफिशियल मार्केट होती है, उसमें LIC IPO किस तरह से धूम मचा रहा है, और हम ये देखेंगे कि शेयर्स कैसे अलॉट किए जाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं LIC IPO को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मोस्ट अवेटेड IPO है और ये IPO अब तक का इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO है, जो कि आज से शुरू हुआ है 4 मई से लेकर के 9 मई तक। और इसका जो इशू साइज है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट इशू साइज है, वो है 21,009 करोड़ का। इतना बड़ा IPO ये आ रहा है। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसमें होंगे वो होंगे 22,13,80,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसमें होंगे, जबकि प्राइस बैंड जो है वो डिसाइड किया गया है 902 से लेकर के 949 रुपीज तक का। और साथ में एक लॉट में आपको 15 शेयर्स परचेज करने होंगे, एटलीस्ट वन लॉट तो आपको परचेज करना ही होगा, उसके लिए एप्लीकेशन आपको देनी होगी, जिसमें कि 15 शेयर्स होंगे और मैक्सिमम आप 14 लॉट्स ले सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंडर, या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी के अंडर, या फिर आप पॉलिसी होल्डर हैं तब भी आप मैक्सिमम ऑफ 14 लॉट्स और मिनिमम 1 लॉट, ओके, ये आप इसमें ले सकते हैं। साथ ही अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो जो एम्प्लॉय इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए 150 करोड़ रिजर्वेशंस इन्होंने रखी है, जो कि टोटल IPO की 0.7% है, जबकि पॉलिसी होल्डर्स हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए 2101 करोड़ की रिजर्वेशन रखी गई है, जो कि टोटल IPO जो इशू हो रहा है उसका 10% है, और बाकी जो बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज नेट ऑफर, और ये है 19.76 करोड़ शेयर्स का। यहां पर मैं 19.76 करोड़ शेयर्स की बात कर रहा हूँ, रुपीज नहीं, नेट ऑफर जो है ये 19.76 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स जो बचते हैं वो होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, QIB इन्वेस्टर्स के लिए और NII इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें से कि रिटेल इन्वेस्टर्स 35% है, QIB इन्वेस्टर्स के लिए 50% है और NII इन्वेस्टर्स के लिए 15% शेयर्स होंगे। और साथ ही इनकी जो टोटल अमाउंट जो उनके लिए रखे गए हैं उनकी आपके स्क्रीन के सामने है। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये जो मैं आपको पिछली स्लाइड में आपको मैंने कहा कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स, तो नेट ऑफर्स में जो ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर्स आखिर हैं कौन। तो रिटेल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं IPO के लिए 2 लाख रुपए से कम अमाउंट का। तो जितने भी इन्वेस्टर्स जो कि 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्हें कहा जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स। और 2 लाख से कम इन्वेस्टर्स जो एप्लीकेशन कर रहे होंगे वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही डिस्काउंट्स का फायदा उठा पाएंगे। 2 लाख से ज्यादा के जो इन्वेस्टर्स हैं
उनके लिए हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट्स कौन कौन से हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये जो आईपीओ है, सबसे बड़ी बात इस आईपीओ की जो अभी है, जो सबसे अच्छी बात भी है, कि ये आईपीओ डिस्काउंट जो आपको दे रहा है वो एप्लीकेशन के टाइम पर दे रहा है। यूजुअली होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी है उसका आईपीओ आ रहा है और अगर वो डिस्काउंट दे रही है तो पहले वो आपसे पूरा पैसा ले लेंगे और बाद में वो आपको पैसा लौटाते हैं। जब आपकी आपको अगर अलॉट हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको वो पैसा लौटाते हैं जो कि डिस्काउंटेड मनी होती है, तो उसमें बाद में कंफ्यूजन का भी रहता है। लेकिन यहां पर आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये आईपीओ जिस टाइम आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देते समय ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पूरी अमाउंट पे नहीं करनी है। आपको जो अमाउंट पे करनी है वो आपको लेस अमाउंट पे करनी है। जैसे कि अगर 949 रुपीज का ये है तो 949 रुपीज आपको पे नहीं करने हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने मैक्सिमम जो प्राइस बैंड है, अपर 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 लिमिट जो है वो 949 है, तो आपने अगर उस पे किया है तो आपको 949 नहीं पे करने। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको उसमें 45 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 45 लेस करने के बाद ही आपको वो बची हुई अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो डिस्काउंट है ये दिया जाएगा इंडिविजुअल पॉलिसी के ऊपर ही, ग्रुप पॉलिसी के ऊपर ये नहीं दिया जाएगा। कोई भी डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट आपको जो मिलेंगे पॉलिसी के ऊपर, तीन तरह के डिस्काउंट आपको मिलने हैं। एक तो इन्वेस्टर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल इन्वेस्टर्स, उनको 45 रुपीज मिलेंगे, 45 रुपीज रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट मिलेगा। जो पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टर्स हैं उनको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही जो इम्प्लॉयज इन्वेस्टर्स हैं उनको भी 45 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर आप एक इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर हैं, ग्रुप पॉलिसी होल्डर नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी एक छोटी मोटी कंपनी है और उसमें आपने कोई अपने इम्प्लॉयज को एक पॉलिसी दी हुई है, तो वो ग्रुप पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप इंडिविजुअल पर्सन की ही पॉलिसी पे ये डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो इंडिविजुअल्स की पॉलिसी के अलावा कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ इंश्योरेंस आपको दी गई है, लाइफ इंश्योरेंस दी गई है, उनमें से सिर्फ एक प्रधानमंत्री की जो योजना है दैट इज कॉल्ड एज प्रधानमंत्री वाया वंदना, वंदना योजना, इसमें सिर्फ इसी पे ही आपको जो डिस्काउंट है उनकी फैसिलिटी मिलेगी। और बाकी जो जितने भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी आपको ये LIC की सॉरी LIC की नहीं, इसके अलावा जितने भी अलग अलग पॉलिसीज आपको मिली हैं लाइफ इंश्योरेंस की, उन पे आपको ये नहीं डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं ज्वाइंट पॉलिसी। अगर किसी, मान लीजिए कि किसी की ज्वाइंट पॉलिसी है, वो भी सिर्फ एक ही कहलाई जाएगी और उस पे भी एप्लीकेशन एक ही होगा। जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी ज्वाइंट पॉलिसी है, तो उसके ऊपर भी सिर्फ एक ही अप्लाई कर सकता है और एक ही एप्लीकेशन आप उस पे दे सकते हो। और अगर किसी दूसरे को, जैसे मान लीजिए हस्बैंड को भी देनी है, वाइफ को भी देनी है एप्लीकेशन, तो एक बंदा जो है वो फायदा उठा ले, वो एप्लीकेशन दे सकता है रिटेल कैटेगरी में, और एक जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में। तो रिटेल की कैटेगरी में उसको 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी है उसमें उसको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही एक डीमैट अकाउंट पे आप तीन जो हैं, तीन पॉलिसीज, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप एक डीमैट अकाउंट अगर आपका है तो आप इसमें जो है तीन एप्लीकेशंस दे सकते हो। अगर जैसे मान लीजिए कि आप तीन कैटेगरीज में आते हैं, आप एक आप रिटेल इन्वेस्टर भी हैं, आप जो है पॉलिसी होल्डर भी हैं, और साथ ही आप इम्प्लॉय भी हैं LIC के। तो अगर आप तीनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आप तीनों के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एक ही डीमैट अकाउंट से, ओके। तो
यूजुअली हमारे दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि एक डीमैट अकाउंट से हम एक ही एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज तीन कैटेगरीज और जोड़ दी हैं। LIC के IPO ने तीन कैटेगरीज और जोड़ दी हैं, वो अलग कैटेगरी जोड़ी हैं जिनमें कि आप एक ही डीमैट अकाउंट से इन तीन कैटेगरीज में अलग अलग कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। और जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो एप्लीकेशन आप 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख तीनों में 2 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी LIC की कोई पेंशन स्कीम है, तो क्या आप उसमें आपको आपको डिस्काउंट मिलेगा? क्या आप उसमें 60 रुपीज का जो डिस्काउंट है, क्या आपको उसमें मिलेगा? तो हाँ बिल्कुल, आपको LIC पेंशन स्कीम होल्डर अगर आप हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा पॉलिसी होल्डर का, जो कि है 60 रुपीज। ओके, तो अब जैसे हम रिटेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है। जैसे कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और प्राइस जो है 949 है, जो कि अपर लिमिट है, जो प्राइस बैंड की अपर लिमिट है वो 949 है। मान लीजिए कि आप 949 का एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप 949 रुपीज वहां पे अप्लाई करेंगे, 949 रुपीज का, तो आपको इंस्टेंटली 45 रुपीज का उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको 949 रुपीज पे नहीं करने हैं, आपको 949 माइनस 45 रुपीज, आपको 904 रुपीज ही पे करने हैं, ठीक है, फॉर वन स्टॉक, ठीक है। तो अगर आप एक लॉट लेते हैं तो इसका मतलब है एक लॉट में कितने हैं, 15 स्टॉक्स। एक लॉट में 15 स्टॉक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मिनिमम एक लॉट ही आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एक उसका शेयर ले लें, नहीं, ऐसा नहीं, आपको एक लॉट लेना पड़ेगा और एक लॉट में 15 स्टॉक्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 904 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 15, दैट इज मिनिमम आपको 13,560 रुपीज का एक लॉट मिलेगा, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई, रिटेल इन्वेस्टर, पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टर, और तीसरी कैटेगरी थी हमारी एम्प्लॉय कैटेगरी, जो कि इन तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अभी रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो जिसमें आपको 45 रुपीज का डिस्काउंट उस इंस्टेंटली मिल जाएगा, और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर वन लॉट होगा, दैट इज 13,560 रुपीज। और आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ये तो मिनिमम है कि आप मिनिमम 13,560 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो एक लॉट खरीदने में, ठीक है, एज अ रिटेल कैटेगरी में अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉट जो आप खरीद सकते हैं वो है 14 लॉट। एक इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल जो होगा वो 14 लॉट्स खरीद सकता है। तो 14 लॉट्स का मतलब है कि अगर आप 14 लॉट्स खरीदते हैं मैक्सिमम, तो आप इसका मतलब ये है कि 14 मल्टीप्लाई बाई 15, मतलब कि आपके पास एक लॉट है 15 15 शेयर्स का, तो 14 लॉट्स होंगे। 14 मल्टीप्लाई 15 मीन्स 210 शेयर्स, मैक्सिमम 210 शेयर्स आप खरीद सकते हैं। मीन्स 15 शेयर से लेकर के 210 शेयर्स के बीच में आप जो है जितने भी लॉट खरीदना चाहो खरीद सकते हो, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, उसी तरह 14 लॉट तक आप जितने भी खरीद सकते हो मैक्सिमम। आप इसका मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए 14 लॉट खरीद लिए, तो इसका मतलब है कि 14 लॉट आपको कितने के पड़ेंगे, एक लॉट में जो आपको एक स्टॉक है वो 949 की जगह आपको 904 रुपीज का पड़ रहा है डिस्काउंट के बाद। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 904, दैट इज इक्वल टू 189,840 रुपीज। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आप रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटेल कैटेगरी का। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप जब भी आप एप्लीकेशन करें, तो आप हमेशा वहां पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप कट ऑफ प्राइस पे लेने को तैयार हैं, तो आप उसको टिक जरूर कर लें। क्यों, ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने 949 रुपीज पे आपने एप्लीकेशन करा है, आपको वो 904 में मिलेगा, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब ऐसा हो सकता है कि 949 की जगह जो फाइनल जो शेयर्स अलॉट हुए वो अलॉट हुए 902 रुपीज पे, ओके, या फिर ठीक है, 902 रुपीज पे, तो आपको क्या मिलेगा, 902 रुपीज पे ही वो मिल जाएंगे, ठीक है, और 902 रुपीज माइनस 45 आपको और लेस उसमें हो जाएंगे।
ऐसा होता है कि आपके मैक्सिमम जो प्राइस बैंड है वो है 949 रुपीज, लेकिन मान लीजिए कि जो फाइनल अलॉटमेंट हुई वो हुई 949 नहीं, वो हुई 902 रुपीज। अगर 902 रुपीज की अलॉटमेंट हुई है तो उसमें -45 रुपीज होकर के जो अमाउंट बनती है उस पे आपको स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको हर कंडीशन में मिलेगा, चाहे आपने ये कट ऑफ प्राइस जो मैं यहाँ पे है कर, चाहे आप इसको टिक करते हैं या नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपने जो है एप्लीकेशन ही 949 पे ना दे करके आपने 902 पे करी है। अगर आपने एप्लीकेशन 949 पे ना करके 902 पे करी है, और अगर आपने कट ऑफ सिलेक्ट नहीं करा है, कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट नहीं करा है, और अगर मान लीजिए कि वो 910 या 920 पे जो है वो फाइनल अलॉटमेंट हुई, अगर फाइनल फाइनली, तो वो स्टॉक फिर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ये कंडीशन दी है कि मैं 902 पे ही खरीदूंगा, ठीक है। तो अगर वो अलॉट हो रहे हैं 910 या 915 पे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको वो स्टॉक नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने 900, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप यहाँ पर 949 को ही आप सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पे पहले ही 949 पुट कीजिए, उसके बाद चाहे आप कट ऑफ प्राइस पे को टिक करें या ना टिक करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 949 ना लिख करके उससे कम पे आप अगर यहाँ पे लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये टिक जरूर कर लेना चाहिए कि जिस भी प्राइस पे ये फाइनली कट ऑफ लिस्ट बने, फाइनली अलॉटमेंट हो, उस प्राइस पे ही मुझे मिल जाए। इसका मतलब ये होगा अगर आप इसको टिक करते हैं तो, अगर आप कट ऑफ प्राइस को टिक कर देते हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी होल्डर की। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है कि रिटेल इन्वेस्टर तो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं जिनके पास मान लीजिए पॉलिसी नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तो उनके लिए तो नॉर्मली ये है, रिटेल कैटेगरी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिसी होल्डर है, ऑलरेडी आपके पास LIC की पॉलिसी है, तो फिर उसके लिए क्या है। अगर आपके पास ऑलरेडी LIC की पॉलिसी है, तो उस केस में मान लीजिए कि आपने अगेन जो एप्लीकेशन दी है वो 949 पे ही दी है, और मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप 949 पे ही एप्लीकेशन दें, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें जो डिस्काउंट मिल जाएगा वो मिलेगा 60 रुपीज का। जो रिटेल कैटेगरी थी उसमें 45 रुपीज का, अगर आप एक LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो है जो एक स्टॉक है वो पड़ेगा 889 रुपीज, मीन 949 -60 रुपीज, 889 रुपीज का एक स्टॉक पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर उसका एक लॉट खरीदते हैं, मीन्स 15 स्टॉक खरीदते हैं, तो 889 मल्टीप्लाई बाई 15 आपको 13,335 रुपए ही आपको पे करने हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और मैक्सिमम लॉट अगेन यहाँ पे भी 14 है, और इसका मतलब ये हुआ कि 14 लॉट्स हैं, एक एक लॉट में 15 है, तो इसका मतलब अगेन इसमें आप टोटल 210 शेयर्स आप मैक्सिमम खरीद सकते हो, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 210 शेयर्स। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो 210 मल्टीप्लाई बाई 889 एक शेयर का प्राइस होगा, तो आप 1,86,690 मैक्सिमम अमाउंट की आप एज अ पॉलिसी होल्डर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगेन यहां पर भी कट ऑफ प्राइस का सेम वही है जो मैंने आपको पीछे बताया। अब एक और चीज ये आती है कि पॉलिसी होल्डर आखिर होगा कौन, कौन कौन कहलाएगा एक पॉलिसी होल्डर, LIC की पॉलिसी होल्डर। तो सबसे पहली इसके लिए तीन कंडीशंस हैं। आप एक LIC की पॉलिसी होल्डर, आप इलिजिबल 60 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो पाने के लिए इलिजिबल आप कब होंगे, आप तब इलिजिबल होंगे जब आप ये तीनों कंडीशंस आपने फुलफिल करी होंगी। पहली कंडीशन तो ये है कि आप LIC के ही पॉलिसी होल्डर होने चाहिए, ठीक है ना, ये तो है ही। तो और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपने जो परचेज करी होगी पॉलिसी वो DRHP, जो DRHP फाइल करती है कंपनी, उससे पहले आपने ये पॉलिसी ली हुई होनी चाहिए। अब DRHP जो LIC ने जो फाइल करी थी वो करी थी 13 फरवरी 2022 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो LIC की पॉलिसी होनी चाहिए वो 13 फरवरी 2022 से पहले की होनी चाहिए, और साथ ही आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अभी एक्टिव होनी चाहिए। कब, जब ये प्राइस जो आपका जो इशू शुरू हुआ उस तारीख को आपकी जो पॉलिसी है वो एक्टिव हुई होनी चाहिए।
एक्टिव रहनी चाहिए। मतलब कि इशू कब हुआ, आज ही इशू हुआ है, मैं आज ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 4 मई को, तो 4 मई 2022 को आज, इसका मतलब है कि जो भी आपके पास जो पॉलिसी हो LIC की वो आज चल रही हो, एक्टिव हो, वो खत्म ना हो गई हो। तो दो चीजें हैं कि 13 फरवरी से पहले शुरू हुई होनी चाहिए, और अभी आज 4 मई को जब ये ओपन हुआ है इशू, आज भी ये एक्टिव होनी चाहिए, तो आप ये पॉलिसी होल्डर कहलाए जाएंगे और आप 60 रुपीज का डिस्काउंट ले सकते हो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो LIC पॉलिसी है वो पैन कार्ड से अटैच हुई होनी चाहिए 28 फरवरी 2022 को। आपको काफी न्यूज में भी आपने सुना होगा कि 28 फरवरी 2022 तक अपनी LIC की पॉलिसी को अटैच कर लीजिए पैन कार्ड के साथ। तो अगर आपने 28 फरवरी 2022 तक अगर आपने अपनी LIC पॉलिसी को पैन कार्ड के साथ अटैच कर लिया है तो इसका मतलब है कि आप इलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड के साथ अटैच नहीं किया है 28 फरवरी तक, उसके बाद किया है, तो फिर आप इलिजिबल नहीं है। मतलब ये तीनों ही कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि आप एज अ पॉलिसी होल्डर अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर पाओगे? रिटेल कैटेगरी, जिसमें आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 45 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। आपको 60 रुपीज डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 45 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक फुलफिल कंडीशन नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं, आपको बहुत सारी पॉलिसी, मान लीजिए कि 10 पॉलिसीज आपके पास हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 पॉलिसीज से ही करोगे, एक एप्लीकेशन ही आप दे पाओगे, क्योंकि आपका पैन कार्ड अटैच्ड है और आपका एक ही पैन कार्ड है, ठीक है, आप एक ही पॉलिसी होल्डर हो, आपका एक ही डीमैट अकाउंट होगा। तो भले ही आपकी 10 पॉलिसीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 एप्लीकेशन दे सकते हो, आप एक ही एप्लीकेशन दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा, लेकिन आप एक ही पॉलिसी होल्डर, अगर आप तीनों कैटेगरीज में एप्लीकेबल हो, आप एक पॉलिसी होल्डर भी हो, एक एम्प्लॉय भी हो LIC के, और साथ में आप रिटेलर भी हो, तो रिटेल इन्वेस्टर भी हो, तो आप तीनों में ही आप अप्लाई कर सकते हो एक ही पैन कार्ड से। उस केस में आप कर सकते हो एक ही पैन कार्ड से, एक ही डीमैट अकाउंट से आप 3 एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मल्टीपल पॉलिसीज हैं तो 10 पॉलिसीज हैं आपके पास तो 10 एप्लीकेशन आप दे सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि कितनी पुरानी पॉलिसी आपकी है, वो बस वो 13 फरवरी 2022 से पहले होनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं है कितनी पुरानी है, और आज भी वो एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, तो कितनी भी पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपको जो प्रीमियम है वो भी आप कितना पे कर रहे हो, कम प्रीमियम पे कर रहे हो, 2000 पे कर रहे हो, 5000 पे कर रहे हो, या 50000 पे कर रहे हो, उसका भी कोई फर्क नहीं है, आपको 60 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितनी भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, छोटा या बड़ा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप पेरेंट हो और आपके बच्चे के नाम पे पॉलिसी है, तो उस केस में क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो माइनर है, जो चाइल्ड है, अगर उसके नाम पे पॉलिसी है तो उसके नाम पे ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और साथ में उसी के ही, क्योंकि उसका डीमैट अकाउंट बन सकता है, तो उसी का ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और नाम भी अप्लाई करते टाइम उसी का ही होना चाहिए, क्योंकि उसी का ही डीमैट अकाउंट होगा, तो उसी के थ्रू ही एप्लीकेशन भी होगा, उसी के ही नाम से अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर कोटा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो और 60 रुपीज डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो IPO के लिए, अपने अगर आपके बच्चे के नाम पे अगर डीमैट अकाउंट है और साथ में वो पॉलिसी भी उसके नाम पे है। तो पेरेंट या गार्डियन जो है वो पैसे खुद पे कर सकते हैं, लेकिन जो डीमैट अकाउंट होगा वो माइनर का ही होगा, और साथ में जो एप्लीकेशन पे जो नाम होगा वो भी माइनर का ही होना चाहिए, तभी अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एम्प्लॉय कोटा पे। तो एम्प्लॉय कोटा में क्या क्या कंडीशन है, कौन एम्प्लॉय कोटा के लिए एलिजिबल है? आपको एम्प्लॉय होना पड़ेगा LIC कंपनी का RHP फाइल करने से पहले। RHP फाइल करने से पहले मतलब कि 26 अप्रैल 2022 को LIC ने RHP फाइल करा था। तो इसका मतलब है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं LIC के 26 अप्रैल 2022 से पहले, और आज भी आप
जो हैं वो इम्प्लॉय ही हैं। 4 मई 2022 को भी आप आज भी इम्प्लॉय ही हैं LIC के, तो आप इम्प्लॉय कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि आपको 45 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा और आपके लिए 15,80,000 शेयर्स जो हैं वो रिजर्व रखे गए हैं, जिनमें कि आपको 45 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। इसमें भी सेम वही है, अगर आप 949 रुपीज यहाँ पे उसके एप्लीकेशन देते हैं तो इंस्टेंटली आपको 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपको पे करना होगा 904 रुपी फॉर वन स्टॉक, लेकिन वन लॉट आपको खरीदना होगा तो उसके लिए 13,560 रुपये मिनिमम अमाउंट, और मैक्सिमम आप 14 लॉट इसमें भी खरीद सकते हो, और साथ आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप 1,89,840 रुपीज का कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सेम वही चीज है। आफ्टर दिस हम आते हैं कि अगर आप तीनों ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आप तीनों ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आप तीन डिफरेंट एप्लीकेशंस दे सकते हैं, तीनों ही डिफरेंट एप्लीकेशंस आप दे सकते हैं, और इसमें आप जो है मैक्सिमम जितना अमाउंट पे कर सकते हैं तीनों ही कैटेगरीज में जो पीछे मैंने बताई उनमें आप दे सकते हैं, और उतने का ही एप्लीकेशन मैक्सिमम आप कर सकते हैं। लेकिन एक ही जो ये सेकंड पॉइंट है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आप यू कैन नॉट टेक ऑल थ्री बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट इन द सिंगल एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में आप तीनों बेनिफिट अगर चाहते हो तो वो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको तीन ही अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी, एक ही डीमैट अकाउंट से आप तीन अलग अलग एप्लीकेशन दे सकते हो इन तीन कैटेगरीज के लिए, रिटेल, पॉलिसी होल्डर और इम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, सिर्फ इन तीन कैटेगरीज के लिए आप तीन अलग अलग एप्लीकेशन एक ही डीमैट अकाउंट से एक ही पर्सन दे सकता है। ठीक है, और डिस्काउंट भी फिर तीनों में अलग अलग ही मिलेंगे, 45, 60, 45, लाइक दिस। ठीक है, और लेकिन एक एक पॉलिसी है उसपे तीनों बेनिफिट एक साथ, मीन्स 45 प्लस 60 प्लस 45, ये तीनों एक साथ आपको मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप एक ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप तीनों में आते हो लेकिन एक ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में ही अप्लाई करें, क्योंकि उसमें आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बाकियों से ज्यादा है, तो बाकी दोनों में 45 45 रुपीज का मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम एक और कैटेगरी की बात करते हैं, वो है HNI कैटेगरी, जिसमें कि रिटेल भी नहीं आएगा, रिटेल कैटेगरी भी नहीं आएगी, और ना ही आपकी पॉलिसी होल्डर कैटेगरी आएगी, और ना ही आपको आपकी जो है इंप्लॉय कैटेगरी आएगी, और ना ही आपको कोई भी डिस्काउंट HNI कैटेगरी में मिलेगा। अब HNI कैटेगरी वो होती है जिसमें कि कोई इन्वेस्टर 2 लाख रुपए से ज्यादा का एप्लीकेशन देता है, और जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब इसमें आपको आपको एक जरूरी पॉइंट ये है कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में भी एप्लीकेशन दे रहे हो और HNI कैटेगरी में भी आपको आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आप दोनों में से सिर्फ एक में ही एप्लीकेशन दे सकते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप HNI और रिटेल दोनों कैटेगरीज में एप्लीकेशन ना दे दें। आपको एक ही कैटेगरी में एप्लीकेशन देनी है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो जो आपका पैन कार्ड है वो उससे ये पता लग जाएगा कि आपने HNI और रिटेल दोनों के लिए ही अप्लाई किया हुआ है, और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। ओके, सो आपको ये नहीं करना है। और अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट आपकी होगी वो ऑनलाइन ही होगी। तो सबसे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अगर आप लैपटॉप अपना खोल ही रहे हैं तो आप साथ में अप्लाई भी कर दीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी है, आपको कन्वीनियंट भी, वही सबसे ज्यादा है। और आप पेमेंट के लिए आप UPI पेमेंट का भी यूज कर सकते हो या ASBA पेमेंट का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ज्यादा क्वेरीज के लिए आप ये आप ज्यादा क्वेरीज के बारे में आप करना चाहते हो तो ये नंबर्स हैं जिन पे आप कर सकते हो। रजिस्ट्रार का ये है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेलीफोन नंबर आपको दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, और टोल फ्री नंबर भी आपको दिया हुआ है जिसपे कि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको LIC IPO के बताऊंगा, जिससे कि आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्योंकि ये सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो आईपीओ आ रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें आपको आपके ऑलमोस्ट पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको अलॉटमेंट हो ही जाएगा, एटलीस्ट वन तो हो ही जाएगा, ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं कि हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको डिस्काउंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, आप पहले ही आपको एक कुशन की तरह ये काम करेगा। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो 60 रुपीज का, और अगर आप इंप्लॉय हैं तो 45 रुपीज का, और अगर आप रिटेल कैटेगरी से कर रहे हैं तो 45 रुपीज का, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो एज अ कुशन आपके लिए काम करेगा, ठीक है, ये एक और बेनिफिट है आपके लिए। तीसरा आपको जो बेनिफिट है, ये आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें बहुत बढ़िया से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि आफ्टर इट्स लिस्टिंग ये स्टॉक जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है, ठीक है, और सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा बनने बनने की वजह से जो है ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसलिए आप इसमें अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है, तो क्योंकि ये सेंसेक्स और निफ्टी में लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो इसका बिजनेस मॉडल है, इसका बिजनेस मॉडल भी लॉन्ग टर्म का है, जैसे कि आप अगर एक LIC के बारे में आप जानते ही हैं, LIC हम लेते हैं तो 20-25 सालों के लिए लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म का जो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो लॉन्ग टर्म का बिजनेस मॉडल है, काफी लंबे समय का, तो अगर आप इसको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें LIC की, तो मार्केट शेयर जो LIC का है वो 64% है, जो कि हाईएस्ट है इन एनी अदर कम विद एनी एनी अदर कंपिटिटर कंपनी इन इंडिया। और हमारी इंडिया में ही नहीं, अगर आप बाहर की कंट्रीज में भी किसी और इस तरह की कंपनी जो कि इंश्योरेंस कंपनीज हो, उनमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर की 64% किसी का भी नहीं है, मैक्सिमम 20-22% इतना होता है, लेकिन जो LIC है उसका इंडिया में जो मार्केट शेयर है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंट्री में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है। 64% मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है हमारे LIC का, और आप जानते ही हैं कि कोई भी पर्सन है उसके दिमाग में सबसे पहले LIC ही आता है, वो इंश्योरेंस लेना चाहता है तो इंश्योरेंस वर्ड यूज नहीं होता आजकल, वो उसके दिमाग में LIC ही आता है कि मुझे LIC लेनी है। अब वो भले ही वो किसी और कंपनी का ले रहा है लेकिन उसके मुंह पे LIC वर्ड ही आएगा, ठीक है, इंश्योरेंस कम ही आता है, ठीक है, तो इस तरह का ब्रांड नेम है और मार्केट शेयर इसका 64% है। तो कोई भी कंपनी आउटसाइड इंडिया जो है उसका मार्केट शेयर इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला ये पॉइंट है कि चीपेस्ट प्राइस है इसका कंपेयर टू ऑल अदर कंपिटिटर कंपनी, जितने भी कंपिटिटर कंपनीज हैं हमारे, जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI लाइफ इंश्योरेंस है, उनसे बहुत ज्यादा चीपेस्ट प्राइस पर उनके कंपेरेटिवली जो LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और एक और बहुत बढ़िया बात यह है कि ये अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो अम्ब्रेला है, प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला, वो हमेशा LIC के ऊपर रहता ही रहता है, ठीक है ना। एंड ये मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इन इंडिया इस सेगमेंट का, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, हम सभी LIC के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, और ये जो LIC का IPO आ रहा है ये बहुत ही लेस कॉस्ट पर अवेलेबल है कंपेयर टू इट्स पीर्स, मींस जो कि इसकी पीर कंपनीज हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और ICICI लाइफ इंश्योरेंस, इसका जो IPO है वो उससे कंपेरेटिवली काफी लेस कॉस्ट पे अवेलेबल है, वो भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और एक आप ये जानते ही हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग एजेंट नेटवर्क है, जो कि डीप पेनिट्रेशन इन द मार्केट, जो इसकी मार्केट है उसमें डीप पेनिट्रेशन को शो करता है, क्योंकि इसके जो एजेंट नेटवर्क है, इनके जो एजेंट का नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसका जो जो LIC का जो फ्यूचर है वो काफी स्ट्रांग है। और हम जानते ही हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जो है लोगों को और फील हुआ है कि LIC की कितनी जरूरत है, इन जो कोई भी ये प्लान है, जितने भी इंश्योरेंस के प्लान्स हैं ये लेने की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है, तो जो है पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ये लोगों को फील हुआ है, तो जो फ्यूचर है इस सेक्टर का ये बहुत ही बढ़िया ब्राइट फ्यूचर है, और उसमें 64% मार्केट शेयर अगर हो तो दैट इज द बेस्ट। और अब हम ग्रे मार्केट की बात करते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो ग्रे मार्केट, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ग्रे मार्केट क्या है, ग्रे मार्केट जो है वो एक अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म होता है
जहां पर कि जो कि हमें हेल्प करता है, मीन्स हमें तो हमें हम उसको देख करके ये पता लगा सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का, क्योंकि जो ग्रे मार्केट है उसमें ट्रेडिंग लिस्टिंग होने से पहले ही शुरू हो जाती है। जो ट्रेडिंग होती है ग्रे मार्केट में वो तभी से शुरू हो जाती है जब अनाउंसमेंट होती है प्राइस बैंड की। जो प्राइस बैंड इसका जो कि जिस दिन अनाउंस हुआ है उस दिन से ही ग्रे मार्केट में इसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट रूल नहीं लगते हैं। तो ग्रे मार्केट सिर्फ एक इंडिकेशन हमें देता है कि ये कितना हमें मीन्स इसकी डिमांड कितनी है। तो इसकी डिमांड को ही जो है जितनी ज्यादा इसकी डिमांड ग्रे मार्केट में होगी, ये लिस्ट होने के बाद भी इसकी डिमांड ऊपर ही जाएगी, और हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम पे लिस्ट होगा या फिर डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। ठीक है, प्रीमियम मीन्स जो इसका प्राइस बैंड है उससे ऊपर लिस्ट होगा या उससे कम पे लिस्ट होगा। ठीक है, तो अब अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें तो ये आईपीओ जो है इसकी जो डिमांड ग्रे मार्केट में है वो इसको ग्रे मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको 9% प्रीमियम पर लेने के लिए तैयार हैं इसके अपर प्राइस बैंड से। इसका अपर प्राइस बैंड 949 रुपीज है, तो 949 से ऊपर 9% ज्यादा ज्यादा रुपीज देने के लिए तैयार हैं लोग ग्रे मार्केट में। अगर इस जो इसको खरीदने वाले हैं ग्रे मार्केट में वो 949 रुपीज से 9% ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं इस स्टॉक के लिए। और ये पिछले जो जो पिछला जो वीक था, पिछले हफ्ते ये 5% था, और इस हफ्ते आज की मैं बात कर रहा हूं, आज 4 मई को ये 9% हो चुका है। मीन्स पिछले हफ्ते 5% ज्यादा रुपया देने के लिए तैयार थे ग्रे मार्केट के इन्वेस्टर्स 949 से ऊपर, जबकि आज 9% ज्यादा देने के लिए तैयार है। मींस इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब है कि ये इसके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि ये प्रीमियम पे लिस्ट होगा। ठीक है, और अगर हम रुपीज में बात करें तो आईपीओ की वॉच, आईपीओ वॉच एंड आईपीओ वाला, इन दो जो वेबसाइट्स हैं इनसे हम ये भी हमें पता चला है कि LIC जो है वो 85 रुपीज हायर ट्रेड किया जा रहा है आज की डेट में। ठीक है, आज जो थर्सडे है, थर्सडे मीन्स जो आज वेडनेसडे है, तो आज ये 85 रुपीज ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं ग्रे मार्केट के इन्वेस्टर्स। 949 से ऊपर 85 रुपीज ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं वो इसके खरीदने के लिए, जबकि पिछले हफ्ते थर्सडे को लोग 45 रुपीज पे करने के लिए तैयार थे। मीन्स 949 से ऊपर 45 रुपीज पे करने को तैयार थे पिछले हफ्ते थर्सडे को, और आज 85 रुपीज ज्यादा 949 से ऊपर पे करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग है वो प्रीमियम पर होनी चाहिए। और कितना प्रीमियम ऊपर, एटलीस्ट जहां तक मुझे लगता है एटलीस्ट 10% ओवर अपर प्राइस बैंड। जो अपर प्राइस बैंड है उससे एटलीस्ट 10% ऊपर तो ये लिस्ट होगा ही, जहां तक मुझे लगता है, और मैंने ये जो स्टडीज अभी तक हुई हैं उसमें भी मैंने देखा है कि अराउंड 10% तक तो ये होगा ही। तो अगर मान लीजिए कि शेयर्स की जो अलॉटमेंट होती है तो वो किस तरह से होती है, तो सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टर्स हैं और एम्प्लॉय इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक एक लॉट दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर एक एक लॉट देने के बाद भी अगर शेयर्स बचते हैं तो उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ही लॉट के लिए अप्लाई किया है तो मुझे एक लॉट दे दिया जाएगा, पहले सभी को एक एक लॉट मिलेगा। ठीक है, सबको एक एक लॉट मिल गया, उसके बाद भी अगर शेयर्स बच गए तो फिर जो शेयर्स मिलेंगे वो जिसने ज्यादा ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई किया है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम लॉट्स के लिए अप्लाई किया है उसको कम लॉट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मीन्स एक एक लॉट सबको मिलेगा, उसके बाद प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलता है अगर आपने सेकेंड या थर्ड या फोर्थ लाइक दिस इन लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। मीन्स आप अगर ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा लॉट्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एक एक लॉट सबको मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो इतना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, मींस इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं कि सभी को एक एक लॉट भी नहीं मिल सकता, तो उस केस में क्या होता है?
तो उस केस में लॉटरी सिस्टम की हेल्प से, जो लॉटरी सिस्टम होता है उसकी हेल्प से शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। तो मींस अगर जैसे इतने ज्यादा शेयर, इतने ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए कि एक एक लॉट सबको नहीं मिल सकता, तो उस केस में फिर लॉटरी सिस्टम चलेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया ये सारा कुछ, और इसके बेसिस पर मुझे तो यही लगता है कि हमें इस स्टॉक, हमें इस आईपीओ में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको अभी सारी चीजें बता दी हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, और बहुत सारे मैंने जहां पर भी पढ़ा है, जहां पर भी मैंने सुना है, मीन्स मैंने जहां पर भी जो है टीवी पे भी सुना है, जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे भी सुना है, सभी पे, तो उन पे मुझे यही एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ग्रे मार्केट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और जितनी भी आपकी कंफ्यूजन्स थी तो उनके लिए भी मैंने आपको पूरी कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो LIC IPO से रिलेटेड अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और साथ ही प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पर मैं डेली आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक्स रेकमेंडेशंस लेके आता हूँ, आप उनको भी आप देख सकते हैं, और मेरा जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 90% है, उसकी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप डेली मेरी वीडियोस ले सकें और जो है उनका फायदा उठा सकें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।